दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे कोई भी विकलांग व्यक्ति है तब उनके लिए बड़ी खबर। अब सभी विकलांग लोगों को मिलेंगे 3,000 रुपये हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की नई योजना, अब आपको 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो कैसे आपको मिलेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, किस योजना के तहत आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे, आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताएं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताएंगे 3,000 रुपये कैसे मिल सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे लिखा देख सकते हो, विकलांगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग। 3 दिसंबर विकलांग दिवस पर आज लोकसभा में विकलांगों के लिए सुविधा बढ़ाने तथा 80% से अधिक विकलांगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई है। शून्यकाल पार्टी की श्रीमती टीचर ने विकलांगों की समस्याओं से जुड़ा मामला उठाया है और कहा है कि अकोड़े के अनुसार देश में विकलांगों की आबादी कुल जनसंख्या 2.6% है और यह संख्या इसमें भी अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा है कि सभी विकलांगों के पास कार्ड नहीं है, तो जिसके कार्ड उन्हें सारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ पे अगर आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है तमाम आपको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसमें पहले सभी विकलांगों के पास कार्ड उपलब्ध किए जाएंगे। 80% से ज़्यादा विकलांग हैं उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष लेखिन ने कहा कि विकलांग सरकार को उन्हें कल्याण के लिए उन्हें कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विकलांगों की प्रति समाज का बदलाव किया जाएगा, उन्हें विकास की योजना बनाई जाएगी। ये योजना चलाई जिसके तहत आपको 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।